हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शमा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जायकेदार वाली टेस्टी डिश, जो कि बहुत झटपट से तैयार भी हो जाएगी, और जितनी जल्दी ये तैयार होगी उतने ही कम है इसमें रखने वाले सामान जो कि आपके घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं इस कढ़ाई में आज का ये चिकन बनाने वाली हूँ। तो आज मैं ये चिकन बनाऊँगी घी में। आपके घर में घी ना हो तो आप रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। ये घर का निकाला हुआ घी है जो मैंने खुद निकाला है। एक छोटी कटोरी के हिसाब से मैंने इसमें घी डाला है, और चिकन मैंने 250 ग्राम लिया है। घी बिल्कुल गर्म हो चुका है, आवाज़ तो आ ही रही होगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 तेज़पत्ते और ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं जो कि मैं इसमें डालूंगी। मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, और 4-5 लहसुन के दाने जो कि मैंने चॉप कर लिया था पहले, वो मैं इसमें डालूंगी। लहसुन को भी हम साथ में डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लें। अब हमें इन्हें ब्राउन करना है। देखा आपने, इसमें ज़्यादा सामान कुछ भी नहीं डलेगा, बस वही चीज़ें डलेंगी जो आपके घर में हमेशा मौजूद होती हैं। आप कम चीज़ों में भी बहुत जायकेदार चिकन बना सकते हैं, और आराम से सब लोग घर के मेंबर खा सकते हैं इसे। बहुत ही मज़े का बनता है ये। मेरी डॉटर को बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसी के लिए स्पेशली रेसिपी बनाती हूँ। घी की जगह आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे प्याज बिल्कुल लाल हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इसलिए मैं सालन के साथ साथ रोटियाँ भी बना रही थी। इस वाले चिकन के साथ गरम गरम रोटी मिल जाए तो ये है क्या, फिर मज़ा ही आ जाता है। रोटी के साथ ये सालन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। ये 250 ग्राम चिकन था जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी टेस्ट के अनुसार, स्वाद अनुसार नमक। लाल मिर्च डालूंगी ताकि मेरी बेटी को तीखा ना लगे। आपको जैसा पसंद है आप वैसा डाल दीजिए।
अंदर ही नीचे से चिपके तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, और ना चिपके तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि फिर टेस्ट और अच्छा आएगा, इसलिए बोल रही हूँ। अब इसे लो फ्लेम पे ही हम ढक करके रख देंगे। अब हम 5-7 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, अगर ये नीचे से चिपक रहा होगा तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना और अच्छी तरीके से पक जाए। चलिए हम इसे चेक करते हैं ये अंदर से कैसा हो रहा है। ये देखिए गाइस, इसमें पहले ही पानी छूट गया है, इसलिए मैंने इसमें पानी पहले नहीं डाला था। अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि पानी ऑलरेडी छूट चुका है। अब बस लो फ्लेम पे इसे पकाना है जब तक कि ये गल ना जाए। मैं इसे दोबारा ढक देती हूँ। अब इसे लो फ्लेम पे ही छोड़ देना है और फिर थोड़ी देर के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि ये गल गया है या नहीं गला है। हमारा चिकन गल गया है पूरी तरीके से। अब मैं इसे थोड़ा सा थिक कर लूँगी गैस का फ्लेम हाई करके, इसे थोड़ा सा भूनना है। ये देखिए धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। आपको जितना भी गाढ़ा रखना हो आप उतना गाढ़ा रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा रखूँगी। इसे रोटी के साथ ही खाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वैसे आपकी अपनी मर्जी है। बस देखा आपने कितनी कम चीज़ों से और झटपट से तैयार हो गई रेसिपी, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। गैस का फ्लेम लो कर दिया है मैंने और 5 मिनट के बाद मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए गाइस, ये देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, इतना जायकेदार है, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। आप प्लीज़ इसे घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। ओके, नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए।